हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डॉग। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि मैं कैसे अपने पप्पी को फ्रूट्स जो कि है मैंगो एंड बनाना, आम और केला के साथ मैं उसको फीड करने की कोशिश कर रहा हूं एज अ ट्रीट, नॉट एज अ फूड। मैं उसको कम्प्लीटली वही दूंगा। बस अभी उसको मॉर्निंग में मैंने खिला दिया था खाना, और अभी 2-4 घंटे हो चुके हैं और लंच टाइम इसका जो है 1 बजे है। बट अभी 2 घंटे पहले मैं थोड़ा सा उसको फ्रूट्स दे रहा हूँ जो कि सीजनल फ्रूट है मैंगो, और इसमें जो है फाइबर होते हैं और विटामिन B6, विटामिन C होते हैं। जो केला है, बनाना है, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छा होती है और वो भी विटामिन B6 होता है उसमें भी। तो जैसे ह्यूमन के लिए भी अच्छा होता है केला खाना, इससे डाइजेस्टिंग पावर भी अच्छी होती है और काफ़ी एनर्जेटिक होता है ये फूड। तो मैं आज, छोटा सा पप्पी है, करीब 50 डेज़ के आसपास है इसका, 50 डेज़ का है, तो मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसे लाइक करती है खाना में, खाने में ये जो मैंगो है और केला है। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पप्पी कैसे जो है इसको एंजॉय करती है ये ट्रीट मील। बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे पर्सनली जो एक्सपीरियंस फील करता हूँ वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैंगोस एंड बनाना रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ ताकि जो है छोटा पप्पी है इसको डाइजेस्ट में अच्छा हो। केले को जो है मिक्स कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी एक्चुअली छोटा पप्पी है तो सिंगल एक केला जो है, एक केला ही काफ़ी है, इनफ है इसके लिए। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, और ये हो गया, मिक्स हो गया इसको। अब मैं अपने पप्पी को कॉल करूंगा खाने के लिए, देखते हैं उसको कितना एक्साइटेड लगता है ये खाने में। और ये रेडी हो चुका है, और हमारा जो पप्पी है वो वेट कर रहा है कि कब हम उसको कॉल करें और कब वो खाने के लिए आ जाए। तो जल्दी उसका इंतज़ार ख़त्म होगा और मैं उसको बुलाऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप फीड करें तो खाने को जो है हमेशा ऊंचे जगह पे रखें और पप्पी को नीचे जगह पे, जो कि लार्ज ब्रीड में होता है, जैसे लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, सेंट बर्नार्ड हो गया, और इस रॉटवाइलर हो गया। इसमें क्या होता है कि उसके जो जॉइंट्स होते हैं, गर्दन जो होते हैं, वहाँ पे जो है उसको स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और वो जो प्रेशर नहीं पड़ने की वजह से वो अच्छा रहेगा। वरना जो है उसका गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, उसकी हाइट ग्रोथ में थोड़ी सी इशू आ जाएगी। तो नाउ इट्स रेडी और इट्स टाइम टू कॉल माय लैब्राडोर पप्पी लिली। कम हियर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लैब्राडोर पप्पी है लिली, वो जल्द ही ये जो इसका ट्रीट था आफ्टरनून का, वो इसने कंप्लीट कर लिया है और ये पूरा चट करके खा गई है। और काफ़ी इसको टेस्टी लग रहा है खाने के लिए। और मैंने इसको जो है पहले नीचे दिया था, ये नीचे से बैठ के खाई है, और अब जो है ये पूरा फिनिश कर ली, तो इसको पूरा चाटने के लिए ऊपर चढ़ गई है। और जिस तरह से अभी ये फीड कर रही थी, उसी तरह से आप अपने बच्चे को जो है लिली, जो पप होते हैं, उनको दीजिएगा, ताकि वो नीचे से ऊपर की ओर उसका फेस रहे, ताकि वो अच्छे से खाना भी उसके अंदर डाइजेस्ट हो और बहुत ही अच्छा उसका ग्रोथ भी हो, हाइट भी बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय लिली।